नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा मध्य प्रदेश अग्निवीर रैली भर्ती 2022 के बारे में। यहाँ पर दोस्तों एमपी के कई जिलों में जो है भर्तियाँ स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसके जो है आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा एमपी के कौन कौन से जिलों में यहाँ पर जो है भर्तियाँ स्टार्ट हो चुकी है, किस तरीके से आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपसे जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्या क्या जो है आपके इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। दोस्तों वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी जॉब अपडेट रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप लोगों से मिस ना हो जाए। दोस्तों आप लोग जो है सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ज्वाइन इंडिया नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अग्निपथ पर जैसे ही आप लोग आएंगे यहाँ पर आपको रैली नोटिफिकेशन दिखेगा, आप लोग को इस पर क्लिक करना है। यहाँ से जो है आप लोग सर्च कर पाएंगे, ठीक है। जो भी आप लोग जिस भी स्टेट से आते हैं, जिस जिले से आते हैं, आपको वहाँ का नाम सर्च करना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है, भोपाल के नाम से, ग्वालियर के नाम से, तो आप लोग को यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है, ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा वेट कीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ पूरी प्रोसेस, किस तरीके से आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड करना है। यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो है भोपाल का यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, ठीक है। ये मैंने पहले डाउनलोड कर लिया है, पूरी डिटेल दी गई है इसमें कौन कौन से यहाँ पर जिलों में भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो ये वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। अब आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप लोग को सर्च कर लेना है भोपाल। जैसे आप लोग इसमें सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको भोपाल का दिख जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है, तो पीडीएफ जो है आपके पास सामने ओपन होकर आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग इस तरीके से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दिया गया हुआ है अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली, ठीक है, एट लाल परेड ग्राउंड भोपाल एमपी, ठीक है, फ्रॉम 27 अक्टूबर 2022 टू 6 नवंबर 2022। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग की जो है यहाँ पर जो है रनिंग के बारे में, कब आपकी जो है यहाँ पर रनिंग होगी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाल परेड ग्राउंड में आपकी यहाँ पर जो है रनिंग होगी। दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग कब से कर सकते हैं, तो 5 अगस्त से यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, और क्लोज कब होंगे, 3 सितंबर। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, 1 महीना है, आप लोग जो है इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल ड्यूटी अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल अग्निवीर, ट्रेडमैन की है 10th पास है यहाँ पर, ठीक है, और ट्रेडमैन की यहाँ पर जो है 8th पास पे भी आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग को सही डिटेल बिल्कुल इस फॉर्म में देनी है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कौन कौन से जिले में यहाँ पर जो है भर्तियाँ स्टार्ट हो चुकी है। आर्मी रिक्वायर्ड रैली विल बी हेल्ड ऑन एलिजिबल मेन कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, राजगढ़, रायसेन एंड सीहोर एंड विदिशा। तो यहाँ पे जो है आप लोग जिले देख सकते हैं, यहाँ पर जो है भर्तियाँ स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों 27 अक्टूबर से 6 अक्टूबर यहाँ पर जो है आपकी रनिंग होगी लाल परेड ग्राउंड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप लोग को यहाँ पर उससे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, 5 अगस्त से यहाँ पर जो है स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट डेट 3 सितंबर है। तो आप लोग के पास अभी काफ़ी टाइम है दोस्तों, आप लोग जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और एडमिट कार्ड यहाँ पर दोस्तों आप लोग का जो है 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड ऑन रैली हैज़ बिल सेंड थ्रो रजिस्टर्ड ईमेल। तो आप लोग बिल्कुल अपना ईमेल, अपना नंबर जो है सही दीजिएगा, फॉर्म को फिलअप सही तरीके से कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन में आप लोग को बता देता हूँ क्या क्या जो है यहाँ पर आपसे मांगा गया, क्वालिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं, इस पर ही मैंने पहले वीडियो बनाई है। फर्स्ट ईयर यहाँ पर आपको 30,000 दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है अलाउंस आपको मिलने वाले हैं। सेकेंड ईयर यहाँ पर 33,000 होगा, ठीक है, थर्ड ईयर में यहाँ पर 36,500 और फोर्थ ईयर में यहाँ पर जो है आपको 40,000 दिया जाएगा अलाउंस के साथ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता चुका था पहले वीडियो में कि यहाँ पर जो है 4 साल की आपकी सर्विस रहेगी। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जिन लोग की 4 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी उन लोग को यहाँ पर जो है सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, इस बारे में आप लोग को पता होगा। पेमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेमेंट मॉडलिटी इस बारे में दिया गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको पेमेंट के बारे में बताया गया है और जो भी आपको अलाउंस मिलने वाले हैं इस बारे में डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस भी रहेगा 48 लाख का फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द एंगेज पीरियड एंड दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी जो है बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसे हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पर बताया गया हुआ है तो आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसमें अप्लाई करना है। डेट आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, और एडमिट कार्ड की यहाँ पर डेट दी गई है, कब आपके एडमिट कार्ड जो है आप लोग के ईमेल पर आएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग पोस्ट देख सकते हैं, ठीक है, जनरल ड्यूटी की पोस्ट है। यहाँ पर जो है 17 से 23 साल के बीच में जो है आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 23 के ज़्यादा। और यहाँ पर आप जो है ये चीज़ें देख सकते हैं बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 45 यहाँ पर परसेंट आपके होने चाहिए,
ठीक है, 33 ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए, यहाँ पर 10th क्लास का बताया गया है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के बारे में बताया गया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एज 17 से 23, ठीक है, और इसके बीच में जो है आपका यहाँ पर बर्थ होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटीमीटर हाइट बताया गया है 162, ठीक है, और जनरल ड्यूटी के लिए 168। क्वालिफिकेशन जो है आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है, और अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स के यहाँ पर जो है डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। इसमें 12th जो है मांगा गया है कि यहाँ पर जो है साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 50 मार्क्स जो है यहाँ पर आपके होने चाहिए ईच सब्जेक्ट में, 40% यहाँ पर आपके होने चाहिए दोस्तों। स्टोर कीपर के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th पास, ठीक है, यहाँ पर मांगा गया है। 60 मार्क्स जो यहाँ पर आपके होने चाहिए परसेंट, और 50% यहाँ पर जो है हर मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। इंग्लिश और मैथ्स यहाँ पर जो है आपके होने चाहिए, आप लोग देख सकते हैं बुक कीपिंग अकाउंट इन यहाँ पर दिया हुआ है 12th इन मैंडेटरी, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। ट्रेडमैन 10th पास के लिए यहाँ पर जो है सिंपल 10th पास होना आपका चाहिए, ठीक है, और हर परसेंट मतलब हर आपके सब्जेक्ट में 33 यहाँ पर मार्क्स के ऊपर होना चाहिए दोस्तों। हाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेट आप देख सकते हैं 77 जो है आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लोग 8th पास के लिए देख पाएंगे, ठीक है, ऑल आर्म्स अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए, तो यहाँ पर जो है हाइट 168, 50 यहाँ पर आपका जो है वेट 77, यहाँ पर चेस्ट आपका जो है फ्लाव होना चाहिए चेस्ट का, और 10th यहाँ पर 8 सॉरी यहाँ पर आपका पास होना चाहिए। 33 यहाँ पर जो है हर मार्क्स आपके होने चाहिए ईच सब्जेक्ट में, ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिजिकल जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फिजिकल टेस्ट आपका होगा, ठीक है, यहाँ पर जो है रनिंग 1.6 यहाँ पर किलोमीटर की आपकी होगी। टाइम आप देख सकते हैं कितना आपको टाइम दिया जाएगा, ग्रुप 1 5 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है, और मार्क्स आप 60 का यहाँ पर होगा। पुलअप आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है 10 और मार्क्स 40, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ठीक है, फिट एंड डिट नो फिट का यहाँ पर दिया गया हुआ है, नीड टू क्वालिफाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तो यहाँ पर 1.6 सेंटीमीटर सॉरी किलोमीटर की यहाँ पर जो है आपकी रनिंग होनी है, ठीक है, 5 मिनट 31 सेकंड की, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मार्क्स 48 दिया गया हुआ है। फिजिकल मेजरमेंट किस तरीके से होगा, यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, इस बारे में यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट किस तरीके से होना है, ठीक है, सीई, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है किस तरीके से आपको फोटो जो है अपलोड करना है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो आप लोग जो है इसको डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद इसमें अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग किसी स्पोर्ट से आते हैं, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर जो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, तो आप लोग जो है इसको पहले डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। काफ़ी बड़ा ये पीडीएफ है, यहाँ पर 35 पेज का यहाँ पर दोस्तों ये पीडीएफ है, ठीक है, तो आप लोग जो है इसको आराम से डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा, उसके बाद ही इसमें अप्लाई कीजिएगा। कोई भी आप लोग जो है गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो क्या है फॉर्म फिर लास्ट में रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो आप लोग जो है इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है फोटोग्राफ मांगी आपसे लेटेस्ट 20, यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th 8th 12th, ठीक है, अगर आईटीआई सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो ये पीडीएफ जो है 35 पेज का समथिंग है दोस्तों, काफ़ी बड़ा है पीडीएफ है। लास्ट में हम जो है इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और इसमें जो है डिटेल्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो है बताया गया है लिस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड, तो आप लोग जो है स्कूल एजुकेशन बोर्ड से आते हो तो यहाँ पर जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ये सब चीज़ें डिटेल्स दी गई है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं इस पोस्ट में रिलेटेड जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने सारी आपको इस वीडियो में बता दी है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये भोपाल वाला जो ये नोटिफिकेशन था दोस्तों, आप लोग जो ये ग्वालियर वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए शिवपुरी सागर, ठीक है, छतरपुर दमोह दतिया, तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं गुना, ठीक है, भिंड मुरैना ग्वालियर इन मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर भी जो है इन जिलों में भी जो है भर्तियाँ स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर किस तरीके से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, ठीक है, और कब से जो है आपकी यहाँ पर रनिंग स्टार्ट होगी, पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो आप लोग जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद इसमें अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो किस तरीके से आपको जो है डाउनलोड करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों। जो भी अगर आपके अभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। वैसे आई होप दोस्तों जो भी मैंने डिटेल बताई है हर एक चीज़ आपको समझ में आई होगी इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।